और वैदिक जी का भी ऐसा ही, वैदिक जी इंदौर में पैदा हुए, आपके पिताजी इतने महान व्यक्तित्व थे कि राम मनोहर लोहिया साहब, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और जितने समाजवादी थे, प्रोफेसर मधुसूदन दत्त, जॉर्ज फर्नांडिस, सब आपके करोड़ते थे इंदौर में, और पूरा उनका फिल्म स्ट्रगल में योगदान रहा उनके परिवार का। हालांकि बहुत अध्यात्मिक भी थे और बाद में वो वैराग्य लिया और वो सन्यासी हो गए आर्य समाज के स्वामी वैदिकल आपके पिताजी। और डॉक्टर वैदिक जी के बारे में एक बात मैं बड़ा बताना चाहता हूँ कि आप जेएनयू के जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लाते इंडिया की उसके फर्स्ट बैच के पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशन। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप 5 साल वहाँ जब रिसर्च कर रहे थे वहाँ आपको पता है जेएनयू का उस वक्त इंग्लिश मीडियम था, आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की और हमेशा टॉप किया, लेकिन इनके दिमाग में एक बात आ गई कि ये देश आजाद हो चुका है और मैं आज फ्रीडम फाइटर परिवार से हूँ तो मैं तो अपनी थीसिस हिंदी में सबमिट करूँ। तो इन्होंने जेएनयू में अपनी पीएचडी की थीसिस अफगानिस्तान में सोवियत संघ और अमरीका की घुसपैठ, ये इनका टॉपिक था, वो हिंदी में सबमिट कर। तो जेएनयू अथॉरिटीज ने इनकार कर दिया, ये बात उस वक्त 1964 के आसपास की है। तो इन्होंने कहा था क्यों, ये क्या है, ये देश गुलाम थोड़ी है, भारत का स्वतंत्र देश है। तो उस जमाने में 3 दिन संसद रुक गई, काम ठप करवा दिया इन्होंने 24 साल की उम्र। प्रोफेसर राम मनोहर लोहिया जी, मनीराम बागड़ी हमारे साथ के एमपी थे, प्रोफेसर मधुकर थे, इन्होंने संसद चलने नहीं दी, ये गुलामी नहीं है, हिंदी में होगा ये बिल्कुल ठीक है। और उस वक्त जो स्पीकर थे उगम सिंह जी, सरदार उगम सिंह हमारे पंजाब के, वो कहते हैं ये बिल्कुल ठीक बात है, मैं उस लड़के की जो बात रखी और जिन्होंने जिस ये राम मनोहर लोहिया जी ने यहाँ रखा है विचार, मैं भी इससे सहमत। तो अमेंडमेंट लाई गई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक्ट में, आप जानते हो कि सरकार के अंदर है, केंद्रीय सरकार के अंदर है, तो उसमें अमेंडमेंट ला के हिंदी और सभी भाषाओं को मान्यता मिली पीएचडी करने में। ये मैंने लेख भी लिखा हुआ है, आर्टिकल, डॉक्टर वैदिक ने हिंदी भाषा में पीएचडी को दिलाई थी। तो ये ऐसा क्रांतिकारी। और जब आप अभी पिछले दिनों फिर चर्चा में बहुत ज्यादा है, चर्चा में तो हमेशा ही रहे, तो एक दिन की बात करूंगा, जब आप पाकिस्तान के आतंकवादी सरगना से मिले हाफिज सईद से, तो बड़ा शोर मच गया संसद में, 3 दिन फिर संसद रुकी और ठप रही, चलने में नहीं। तो मैंने डॉक्टर साहब टीवी पे तो बहुत आए, तो मैंने डॉक्टर साहब मेरा तो बिल्कुल मतलब पिताजी के छोटे भाई हैं, तो मेरा तो पारिवारिक जब मैंने कहा मैं लिखता हूँ, बोले नहीं दूर तो नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने आपसे जाने के लेके लिखा और मैंने विजय चोपड़ा जी को इतना दिल्ली का फोन किया रात को 16 साल किसी भी पत्रकार का देशद्रोही से आतंकवादी सरगना से मिलना देशद्रोह नहीं। बड़ा अच्छा मेरे को आशीर्वाद मिला आपके इस वजह से, मैं भी नेशनल सिविलियन में सीख गया है। तो डॉक्टर वैदिक जी का लगभग 100 देशों में, क्योंकि आप विदेश नीति परिषद के चेयरमैन भी हैं इस वक्त, और 100 देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के साथ आप लंच या भोजन पे उनसे वार्ता कर चुके हैं और एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं आप, और हम सब बड़े अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस करते हैं शहर में आके। और एक ऐसे वक्त पर जबकि एक सच्ची पत्रकारिता समय की मांग है, आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे और अब इलेक्शन भी आने वाला है और बहुत से साथियों की क्वेरीज भी होंगी, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब से हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। एक छोटी जो जोहर साहब बताना भूल गए कि
वैदिक जी नवभारत टाइम्स के भी संपादक रहे हैं और भाषा के भी संपादक रहे हैं, फाउंडर एडिटर रहे हैं।